लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा तो फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन उसको लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। चुनाव के लिए पुराने गठबंधनों को मजबूत किया जा रहा है, वहीं नए गठबंधन बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सत्तारूढ़ दल भाजपा ने झारखंड राज्य की पार्टी ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन से गठबंधन किया है। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के अलावा कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की थी। संसदीय दल की बैठक करीब 3 घंटे चली। बैठक के बाद पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपनी जीत का दावा किया। ये हमारा गठबंधन के रूप में, हम एक मजबूत गठबंधन के रूप में झारखंड में जाएंगे और पिछले चुनाव में भी दोनों पार्टियों अब जो एक मजबूत सरकार झारखंड के विकास की सरकार चला रही हैं, उसी प्रकार से मजबूती के साथ ये दोनों पार्टियां आगामी लोकसभा चुनाव में जाएंगी और हम सभी की सभी सीटों पर दोनों पार्टियां मिलकर मेहनत करेंगे। वहीं बीजेपी से गठबंधन होने के बाद उत्साहित ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन के प्रमुख सुदेश महतो ने ये भी दावा किया है कि वह एनडीए को हराने के मकसद से होने वाले महागठबंधन को चुनौती देने में कारगर साबित होंगे। साथ ही उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन के बाद मिले एक सीट पर चुनाव जीतने का दावा भी किया है। हमारा पिछला विधानसभा चुनाव हम सभी लोगों ने साथ में लड़ा था, लेकिन कभी भी पार्लियामेंट चुनाव पे हम प्रत्यक्ष रूप से सामने आए नहीं थे। प्रथम बार गठबंधन के साथ पार्लियामेंट चुनाव पे हम आ रहे हैं और हम सभी लोगों ने कई तैयारी प्रारंभिक रूप से की थी, लेकिन आज जो निर्णय हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मिलके, वो 13-1 पर हुआ है। 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, 1 पर राजस्व पार्टी लड़ेगी। चुनावी माहौल में छोटी और बड़ी सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करती हैं। आजसू ने भी अपनी जीत का दावा किया है, लेकिन अपने दावे पर वो कितनी खरी उतरेगी ये चुनाव परिणाम के बाद ही मालूम चलेगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ ललित नारायण काटपाल, टोटल न्यूज़ दिल्ली।